बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि हम लोग गांव में हैं, तो हम अभी तक गांव में ही हैं। इस दाम हमारा टूर थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि हम थोड़े ज़्यादा दिन के लिए गए थे। तो इस टाइम मैं यहाँ से पुदीना तोड़ रही हूँ क्योंकि जहीद कह रहा है कि चटनी मैं खुद आज बनाऊँगा, तो उनके लिए मैं पुदीना तोड़ने आई हूँ। और साथ जो है ना मैं बनाऊँगी पकोड़े, तो साथ हम लोग बनाएंगे यहाँ की जो पहाड़ी चटनी है, वो जो बनती है यहाँ पे, तो वो जहीद बनाएंगे। तो जहीद ने लंगड़ी शंगड़ी रख ली है। ये फ्रेश जो अनारदाने वाला अनार है, ये जीत तोड़ के लाया। ये भी हम इसमें डालेंगे। टिम्बर दे हुई नहीं बस ये पास है। और मैं पकाने लगी हूँ रोटियाँ। पहले रोटियाँ बनाऊँगी, फिर उसके बाद जो है ना करूँगी। पहले मैंने रोटियां बनाई और वो जो है ना पका के तो मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी और साथ साथ मैं पकोड़े बनाने लगी। और जहीद को मैंने कहा आप साथ साथ खाना खाएं और साथ साथ मैं भी खाती जाऊंगी, क्योंकि जहीद को बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी। मैंने कहा फिर ये बेचारे वेट करेंगे जब सारे पकौड़े बनेंगे, तो उसके बाद जो है ना ये भूख इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं साथ साथ बनाती जा रही थी और ये खाते जा रहे थे। और ऐसे बहुत मज़ा आता है पकौड़ों का कि साथ साथ बनते जाएं और साथ साथ बंदा खाता जाए। जहीद पकौड़े खा रहे थे तो साथ मेरे जेठ भी आ गए, जहीद के वो बड़े भाई जो सबसे बड़े भाई हैं। तो बस फिर वो भी साथ खाना शुरू हो गए, फिर मैंने भी खाए हैं। काफ़ी हमने पकौड़ों को एंजॉय किया है। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और वो टॉपिक ये है कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अपनी ज़िंदगी को आप ऐसी आसान बना सकती हैं कि जो है ना अपने घर में जो है ना किसी को दखल अंदाजी ना करने दें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी, ये आपका घर है। और इसमें जो है ना अगर आप दोनों के मियाँ बीवी के फैसले चलेंगे तो यकीन जाने कि आपके जो है ना घर बहुत जन्नत नमा हो जाएगा। ये बात अपने मतलब जो है ना पल्लू के साथ बांध दें कि अपनी ज़िंदगी आप ऐसी आसान बना सकती हैं। और कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों में बहुत कम बैठा करें कि जो लोग आप लोगों को टेंशन देते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, ये लोगों की नज़र नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर अपने आप को घर में ही रखा करें, अपने जो है ना घर में ही खुश रहा करें। हाँ, ज़्यादातर अगर आपका दिल कर रहा है कहीं जाने को, तो इससे बेहतर है कि बंदा किसी पार्क में चला जाए, वहाँ जाके थोड़ी देर बैठ जाए। क्योंकि ऐसे जो है ना किसी के घर जाएंगे और ऐसे घरों में जाएं जहाँ पे जाके आप लोगों को टेंशन मिले, तो ऐसे लोगों से ज़्यादातर कोशिश किया करें कि दूर रहें। और अपना जो सर्कल है ना उसको कोशिश किया करें वो मुख्तसर ही रहे। मुख्तसर सर्कल से ये होता है कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और अपने आप को खुश करने का एक बहुत इजी तरीका मैं बताती हूँ कि हर वक्त ड्रेस अप रहा करें। यकीन जाने कि आपकी जो आधी टेंशन होती है वो इस चीज़ से ख़त्म हो जाती है। ये मैंने पहले भी आपको कहा था और अभी भी मैं कहती हूँ कि अपने आप को हर वक्त जो है ना ड्रेस अप रखा करें, जो है ना अपने कपड़ों का, अपने जूतों का, अपने जो है ना खाने का, खाना हमेशा हेल्दी खाया करें। तो इस तरह भी जो है ना आपकी बहुत सी टेंशनें जो है ना कम हो जाती हैं और ज़िंदगी आपकी बहुत आसान हो जाती है। हमेशा जो है ना अपने फैसले खुद किया करें, क्योंकि जो अपने फैसले होते हैं ना
वो ख़ुद इसलिए किया करें कि जितना आपको अपने घर के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में और आप एक दूसरे के बारे में पता है, इतना आप लोगों को आपके घर के और आपकी जो है ना आदतों का इतना नहीं पता है। अपने घर के जो फैसले हैं, अपनी मियाँ बीवी बैठ के, अपने बच्चों के साथ बैठ के उन मसलों का हल निकाला करें, ना कि जो है ना लोगों को कहा करें कि वो आके आप लोगों के घर के मसले हल करें। अगर जब लोग आपके घर के मसले हल करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि बस आपका घर जो है ना वो ख़त्म हो गया, फिर अब वो दूसरों के हाथ में चढ़ गया। अब की मर्जी है कि वो आप लोगों को अच्छे रास्ते पे लेके जाते हैं कि आप लोगों को बुरे रास्ते पे लेके जाते हैं, आप उनके मोहताज हो जाते हैं। इसलिए जो घर के फैसले होते हैं वो अपने जो है ना अपने घर वाले बैठ के ना खुद ही उनको हल किया करें, उनको किसी और को अपने घर में घुसने ना दिया करें। जब आपके घर में कोई बंदा तीसरा घुस गया फिर उसका आपके घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने लिए खुशियां जो है ना वो खुद ढूंढा करें और छोटी छोटी खुशियों पे खुश हुआ करें। जैसे कि अभी ये मैंने टमाटर तोड़े और इस पर मैं बहुत खुश हो रही हूँ। ऐसी छोटी छोटी अपने लिए खुशियों का इंतज़ाम खुद किया करें, क्योंकि जो है ना खुशियां हमारे पास बहुत कम रह गई हैं और अब हम जो है ना खुशियों को ढूंढ ढूंढ के अपने लिए खुद ले के आया करेंगे। क्योंकि जो आजकल का दौर चल रहा है ये दौर जो है ना पुराने दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पुराने दौर में ये होता था कि एक ख़ानदान होता था, फैमिलियाँ होती थी और मिल के बैठती होती और खुशियाँ मनाई जाती थी। लेकिन अब ये इस तरह नहीं होता। अब अपने लिए खुश इधर में गिरने लगी थी लेकिन अपने आप को बचा लिया। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपने लिए खुशियाँ खुद ढूंढा करें, खुश रहा करें और जो है ना खुशियाँ बांटा करें। क्योंकि जितने खुशियाँ बांटने में जो है ना मज़ा है ना, इतना जो है ना किसी चीज़ में भी मज़ा नहीं है। बस अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया करें, लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश किया करें। जितना आपसे हो सकता है किसी के लिए ज़िंदगी आसान बना सकते हैं तो बना लिया करें। क्योंकि जो है ना जो दौर चल रहा है ना इसमें बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं कि जो लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर उनकी कोशिश ये होती है कि अगले बंदे की जितनी ज़िंदगी मुश्किल बना सकें तो उसकी मुश्किल। यहाँ पे हम आग जलाई हुई है क्योंकि रात को हमारा जो सिलेंडर था उसके ऊपर जो है ना उसके पाइप के ऊपर मैंने गरम तवा रखा था तो पाइप जल गया और पूरी रात जो है ना सिलेंडर लीक होता रहा, हमें पता ही नहीं चला है। लेकिन अल्लाह ने हम लोगों को बचा लिया है तो इसलिए हम लोगों ने आज सुबह सुबह आग जलाई है और बाहर बहुत अच्छी बारिश लगी हुई है। और जो जो मेरे चैनल पर नए लोग आए हैं उनका मैं बहुत बहुत खुश आमदेद कहती हूँ। और आप लोगों ने जो मेरे वीडियो को पसंद करके जो है ना मेरे चैनल पे आप लोग आए हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।